Hello everyone, welcome to the YouTube channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss about the physical interpretation of x-rays. There are five mainly types of interactions. So first of all, dual characteristic of x-rays. X-rays belong to a group of radiation called electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation has a dual characteristic, wave as well as particle. Wave concept is that propagated through space in the form of waves, and waves of all types have associated wavelength and frequency. The particle nature of the electromagnetic radiation. Short electromagnetic waves such as X-ray predominantly react with matter as if they were particles rather than wave. These particles are actually discrete bundle of energy, and each of these bundle is called a quantum or photon, which is equal to h nu. So this is the particle concept of electromagnetic radiation. Particle concept used to describe interaction between radiation and matter. Here the radiation is X-rays. Method of interactions. Photons can be absorbed, can be scattered. तो एब्जॉर्ब्ड और स्कैटर्ड होने के आधार पर फोटॉन्स कई तरह से इंट्रैक्शन कर सकता है, जिसमें पहला तरीका है एटेन्यूएशन, रिडक्शन ऑफ इंटेंसिटी. डिफरेंस इन एटेन्यूएशन गिव्स द रेडियोग्राफिक इमेजेस. इस प्रोसेस में इंटेंसिटी रिड्यूस कर जाती है और दोनों में डिफरेंस होता है, इनकमिंग इंटेंसिटी और स्कैटरिंग इंटेंसिटी में. सो इस डिफरेंस की वजह से हमें रेडियोग्राफिक इमेज प्राप्त होती है. दूसरा तरीका है एब्जॉर्ब्ड. इसमें एक्सरे कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है. तीसरा है स्कैटर्ड. रैंडम कोर्स, नो यूजफुल इंफॉर्मेशन, नो इमेज, ओनली डार्कनेस. एड नॉइज टू द सिस्टम. फिल्म क्वालिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड, which is known as film fog. About 1% of x-ray that strike a patient body, just 1%, about 1% of x-rays that strike a patient body emerges from body to produce the final image. Means 99% of x-rays are scattered or absorbed. So radiographic image is formed on a photographic or radiographic plate is similar that to film of a camera. एक कैमरे के फिल्म के समान ही फोटोग्राफिक, जैसे फोटोग्राफिक फिल्म पर इमेज बनता है, उसी तरह रेडियोग्राफिक प्लेट पर एक्सरे के द्वारा इमेज बनता है किसी भी पेशेंट का. एटॉमिक स्ट्रक्चर. X-rays photons may interact either with orbital electrons or with the nucleus. In the diagnostic energy range, the interaction are always with orbital electrons. Clear? In diagnostic energy range, the interaction are always with orbital electrons, not with the nucleus. The molecular bonding energies, however, are too small. The molecular bonding energy होती है वह बहुत small होती है. Influence the type and the number of interactions. वह influence कर सकता है number of interaction पर. The most important factor is the atomic makeup of a tissue and not its molecular structure. इसका एक महत्वपूर्ण factor यह है कि atomic
टिश्यू बनाने में काम आता है और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एन एटम इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज मेड फ्रॉम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दिस इज फ्रॉम प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन थ्योरी, सॉरी प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हैव निगेटिव चार्ज एंड ऑर्बिटल सेल्स आर के एल एम एन एन एक्सेट्रा। के सेल हैज़ ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स, एल सेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ईच सेल हैज़ अ स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी एंड क्लोजर द सेल्स इज टू द न्यूक्लियस द टाइटर इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। जो सेल क्लोज होते हैं न्यूक्लियस के वो टाइटली बाउंड होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड आर कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जो सेल्स या जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होते हैं, जैसे के सेल सबसे पास होता है न्यूक्लियस के, इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, यह बहुत टोटली बाउंड होता है, टाइटली बाउंड होता है। और जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लेस बाउंड होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, और उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनर्जी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल इज आल्सो डिटरमाइंड बाय एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। तो इनर्जी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेल का बाय एटॉमिक नंबर। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उनकी इनर्जी उतना ज़्यादा होगी। के सेल्स इलेक्ट्रॉन आर मोर टाइटली बाउंड इन एलिमेंट्स ऑफ हाई एटॉमिक नंबर लाइक लेड एंड कैडमियम कैल्शियम। इलेक्ट्रॉन्स इन द के सेल आर एट लो एनर्जी लेवल। Than electrons in the L cell, if we consider the outermost electrons as free, then inner cells electrons are in the energy depth. The energy depth is greatest when they are close to the nucleus in an element with a high atomic number. So energy depth greatest होती है कहाँ पर? They are close to the nucleus. इन एन एलिमेंट विथ अ हाई एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर हाई होता है। बेसिक इंट्रैक्शंस बिटवीन एक्स रेज एंड मैटर। देयर आर 12 मैकेनिज्म आउट ऑफ विच 5 बेसिक वीज इन विच एन एक्स रे फोटॉन्स मे इंटरैक्ट विथ मैटर। दीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फोटॉन स्कैटरिंग एंड अनदर इज फोटॉन डिसअपियर्स। फोटोन स्कैटरिंग में दो तरह की स्कैटरिंग होती है, एक कोहेरेंट स्कैटरिंग और कॉम्प्टन स्कैटरिंग। सिमिलरली फोटोन डिसअपियरेंस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन एंड फोटो डिसइंटीग्रेशन। सो वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कोहेरेंट स्कैटरिंग। रेडिएशन अंडरगोज ओनली चेंज इन डायरेक्शन। दिस टाइप ऑफ रेडिएशन केवल डायरेक्शन में चेंज करता है, नो चेंज इन वेवलेंथ। दैट्स वाई समटाइम्स कॉल्ड अनमॉडिफाइड स्कैटरिंग। सो इस स्कैटरिंग में केवल डायरेक्शन चेंज होता है, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होता। रिमेंबर वेवलेंथ चेंज होती है कॉम्प्टन स्कैटरिंग में, तब हमें वेवलेंथ शिफ्ट मिलता है जिसे हम कॉम्प्टन शिफ्ट बोलते हैं। लेकिन कोहेरेंट स्कैटरिंग के केस में हमें शिफ्टिंग नहीं मिलती, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होता, इसीलिए उसे हम अनमॉडिफाइड स्कैटरिंग बोलते हैं। और कॉम्प्टन इफेक्ट में हम मॉडिफाइड स्कैटरिंग बोलते हैं कॉम्प्टन स्कैटरिंग को, क्योंकि वहाँ वेवलेंथ इंक्रीज कर जाती है। कोहेरेंट स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे इज एन इम्पॉर्टेंट ऑफ द वेव टाइप इन विच एक्सरे इज रिफ्लेक्टेड। कोहेरेंट स्कैटरिंग अकर मेनली एट लो एनर्जीज। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्टन स्कैटरिंग, क्योंकि वो हाई एनर्जी पे होता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स,
and both types are described in terms of wave particle interaction. So first is Thomson scattering and Rayleigh scattering. Coherent scattering. What happens in coherent scattering? So low energy radiation encounters electron. Like this, electrons are set into vibration. Like this, vibration electron emit radiation, and then atom returns to its undisturbed state. तो जो एनर्जी वो वाइब्रेशन के थ्रू एब्जॉर्ब करता है उसे वो इमिट कर देता है और फाइनली हमें जो स्टेट मिलता है वो अनडिस्टर्ब होता है. जो इनिशियल स्टेट था वही फाइनल स्टेट होता है, यानी कि वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता. जो रेडिएशन का वेवलेंथ यहाँ पे था, जो वेवलेंथ इस रेडिएशन का था वही वेवलेंथ इस रेडिएशन का होता है. दैट इज लेमडा इक्वल लेमडा डैश. Coherent scattering. In this case, no ionization. Why? क्यों? Because no energy transfer, only change of direction. If there is energy transfer, then the ionization exists. Otherwise, no ionization. So here is only change of direction. Only effect is to change direction of incident radiation. जो एक सिंगल इफेक्ट है वो क्या है, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटॉन. लेस देन 5%, सो नॉट इम्पॉर्टेंट इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी. प्रोड्यूसेस स्कैटर रेडिएशन बट ऑफ नेग्लिजिबल क्वांटिटी. स्कैटर रेडिएशन बट ऑफ नेग्लिजिबल क्वांटिटी बिकॉज ये बहुत लो एनर्जी पे होता है और यूज के लिए नहीं है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो व्हाट हैपन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इन दिस केस एन इंसिडेंट फोटोन इनकाउंटर ए के सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन. के सेल इलेक्ट्रॉन एंड इजेक्ट इट फ्रॉम द ऑर्बिट. द फोटोन डिसअपियर. इस केस में फोटॉन एब्जॉर्ब होता है उसके बाद इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है. तो इस केस में फोटॉन गायब हो जाता है. फोटॉन डिसअपीयर गिविंग अप ऑल इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन फ्लाइज ऑफ इनटू स्पेस एज अ फोटो इलेक्ट्रॉन कैरी द एक्सेस एनर्जी एज द काइनेटिक एनर्जी एंड ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी इट रीचेस फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड देन फाइनली द सर्किट इज कंप्लीटेड and photoelectric current produces. The K cell electron white filled immediately the another electron and hence the excess energy is released as characteristic radiation and the atom ionized. But the condition is the incident energy has energy sufficient or suitable frequency. एक suitable frequency की फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होने के बाद ही आयनाइजेशन होता है, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. दिस इज द प्रोसेस. इंसिडेंट फोटॉन विच इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम देन प्रोड्यूसेस वाइब्रेशन एंड देन कैरेक्टरिस्टिक radiation and then the ionization, positive ions and electron. Characteristic radiation. How does this happen? After the K electron
After the electron has been ejected, the atom is left with a void of in the K cell and an excess of energy equivalent to binding energy. This state of atom is highly unstable. To achieve a low energy state, an electron immediately dropped to fill the void. एक इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद एक दूसरा इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से तुरंत के सेल में आ जाता है. एज द इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स इन टू द के सेल, इट गिव अप इट्स एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे फोटोन. और जो ही हायर सेल से इलेक्ट्रॉन के सेल में ड्रॉप करता है, जब के सेल से एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है तो वो स्थान रिक्त हो जाता है. फिर उसमें हायर सेल से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके के सेल में आता है, जो एक एक्सेस एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे फोटॉन. एंड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच एलिमेंट एंड हेंस द रेडिएशन प्रोड्यूस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, डज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यील्ड थ्री एंड प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन. A negative ion, that is photoelectron, a positive ion, that is atom deficient in one electron. जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है वहाँ स्थान जो रिक्त हो जाता है वहाँ पर एक पॉजिटिव आयन रिक्त हो जाता है. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, probability of occurrence, the incident photon energy greater than binding energy of the electron. So this is the main condition. The incident photon is energy is always greater than bonding energy of electron, otherwise there is no ionization and no emission of electron. So there is no meaning of photoelectric effect. Photon energy is similar to electron binding energy, and this is proportional to 1 upon energy power cube, and the probability of a reaction increases sharply as the atomic number increases, and this is proportional to atomic number to the power 3. Low atomic number interaction mostly at the K cell, high atomic number interaction mostly at L and M cell. In summary, photoelectric reactions are most likely to occur with low energy photons. Low energy photons, remember, and elements with high atomic numbers, provided the photons have sufficient energy to overcome the force binding the electrons in their cell. Provided the photon has sufficient energy, ज़रूरी है कि photon एक sufficient energy रखे to overcome the forces of binding energy of electron in their particular cell. किसी cell के energy से ज़्यादा energy होनी चाहिए photon की, तभी उस cell से electron का emission होगा. For example, for iodine, in K cell 33.2 kV, for L cell 4.9 kV, for M cell 0.6 kV. This is K, L and M cells. So from L cells to K cell, from L cell to K cell, a 28.3 kV किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 28.3, दैट इज 33.2 माइनस 4.9, वी सेपरेटिंग दिस, 33.2 माइनस 4.9 kV, दैट इज इक्वल 28.3 kV फोटॉन इज रिलीज्ड. सिमिलरली द वाइट सेल इन देन फिल्ड विथ अ प्रोटॉन फ्रॉम द एम सेल विद द प्रोडक्शन ऑफ ए 4.9 माइनस 0.6, दैट इज 4.3 kV. This is equal to 4.3 kV photon.
क्लियर। हियर इज शोइंग एम सेल इलेक्ट्रॉन जंप टू के, एम जंप टू एल एंड एल जंप टू के एंड एनर्जी इज दिस एंड दिस। दिस इज द एनर्जी 28.3 फ्रॉम एल टू के 28.3 एंड फ्रॉम एम टू एल इज दिस 4.3 के वी। के सेल इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। फॉर कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 के सेल बाइंडिंग एनर्जी इज दिस इन के बी 4.04। फॉर आयोडीन 33.2। फॉर बेरियम वी कैन सी दैट एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस द बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एप्लीकेशन इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। एडवांटेजेस एक्सीलेंट फोटो रेडियोग्राफिक इमेजेस, नो स्कैटर्ड रेडिएशन, एनहांस नेचुरल टिश्यू कंस्टेंट, डिपेंड ऑन थर्ड पावर ऑफ द एटॉमिक नंबर, सो इट मैग्नीफाइज द डिफरेंस इन टिश्यू कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स सच एज बोन और सॉफ्ट टिश्यू। थर्ड लोअर एनर्जी फोटॉन्स टोटल एब्जॉर्प्शन डोमिनेंट अप टू 500 के बी, सो दिस इज वेरी लो 500 के बी। डिसएडवांटेजेस मैक्सिमम रेडिएशन एक्सपोजर बिकॉज इट इज एब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली देन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑल द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पेशेंट वेयर एज इन द अदर रिएक्शन ओनली पार्ट ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन energy is absorbed. Compton effect. The Compton effect occurs when the incident X-ray photon with relative high energy eject an electron from an atom and a X-ray photon of lower energy is scattered from the atom and the reaction produces an ion pairs, positive atoms and negative atoms. So this is an incident photon and this is a scattered photon and recoiling electron is in this direction. Almost all the scattered radiation that we encountered in diagnostic radiology come from Compton scattering. So ज़्यादातर जो radiation होते हैं diagnostic radiology में वो Compton scattering के through ही होता है। Energy of photon distributed to kinetic energy of required electron and written by the deflected photon or we can say that scattered photon. Two factor determine the amount of energy the photon transmits. The initial energy of the photon its angle of deflection. Initial energy, that is higher the energy more difficult to deflect because high energy travel is straight line retaining most of the energy and low energy most scatter back at angle 180 degree. And second is angle of deflection. Greater the angle, lesser the energy transmitted with a direct hit. Maximum energy is transferred to the required electron. The photon retains some energy and deflect along with its original path at an angle 180 degree. तो Compton scattering में photon scattered होके 180 degree पर scattered हो जाता है, यानी उसी direction में वापस आ जाता है।
This is the formula for Compton shift, delta lambda equals 0.024 1 minus cos theta, where delta lambda is change in length, also known as Compton shift, and theta is the angle of photo reflection. तो इसके सोल्यूशन के लिए हम मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, जो यहाँ हमने अभी नहीं दिखाया है. एंड दिस इज़ द कॉम्प्टन शिफ्ट 0.024, एंड दिस ऑब्जर्वेशन इज एट 90 degree एंड ऑल्सो नोन एज कॉम्प्टन शिफ्ट. एंड द शिफ्टिंग इज मैक्सिमम फॉर थीटा इक्वल 180 degree and which is equal to 0.048. Compton effect probability of occurrence, it depends on total number of electrons, it further depend on density and number of electrons per gram of the observer. All elements contain approx the same number of electrons per gram regardless of their atomic number. Therefore, the number of Compton reaction is independent of the atomic number of the observer. Energy of the radiation, the number of radiation gradually diminishes as photon energy increases, so that high energy photon is more likely to pass through a body than a low energy photon. So high energy photon jo hai wo bade aasani se kisi bhi body mein pass kar sakta hai than a low energy photon. Disadvantage of this type of reaction, almost all the scatter radiation that we encounter in diagnostic radiology come from Compton scattering. In the diagnostic energy range, the photon retain most of its original energy. This creates a serious problem because photon that are scattered at narrow angle have an excellent chances of reaching an X-ray film and producing fog. तो वो एक्सरे के पास पहुंच सकता है, एक्सरे फिल्म के पास, और उसमें फॉग क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से हमें इमेज क्लियर नहीं मिलेगा. तो दिस इज़ द डिसएडवांटेज. आल्सो एक्सीडिंग डिफिकल्ट टू रिमूव, कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय फिल्टर बिकॉज दे आर टू इनर्जेटिक. आल्सो कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय ग्रिड्स बिकॉज ऑफ नैरो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. It is also a major safety hazard. Even after 90 degree deflection, most of the original energy is retained. Scatter radiation as energetic as the primary radiation. So safety hazard for the radiologist, personnel and the patient. Peer production, it has no importance in diagnostic radiology. क्यों? Because in pair production, a high energy photon interact with the nucleus. Very high energy electron photon interact with the nucleus of an atom, and the photon disappear and energy is converted into matter in the form of two particles, that is electron and positron, which is known as pair production. Mass of one electron is 0.51 MeV. The two electron masses are produced, so the interaction cannot takes place with photon energy less than, हम दो से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लेस देन 1.02 MeV. तो जब तक 1.02 MeV के बराबर एनर्जी नहीं होगी, तब तक ये प्रोसेस नहीं हो सकता. So this is a very high energy interaction, in this case positron annihilate. Slowly moving positron combined with a free electron to produce two photon of radiation, two mass units converted giving a total energy of 1.0222 MeV, and to conserve the momentum, two photon each with 0.511 MeV energy are ejected in opposite direction. So both are annihilate, गायब हो जाते हैं.
फोटो डिसइंटीग्रेशन, ये फोटोन विथ एक्सट्रीमली हाई एनर्जी 7 to 15 एमए भी इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, मे इजेक्ट एन न्यूट्रॉन। इस प्रोसेस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इवन अल्फा पार्टिकल इजेक्ट होते हैं। एंड द नोड डायग्नोस्टिक इम्पॉर्टेंस, इसका डायग्नोस्टिक में कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है यहाँ और इट इज़ वेरी हार्मफुल। इन दिस केस ए हाई एनर्जी फोटॉन इनकाउंटर्स द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस विच मे बी ए न्यूट्रॉन, ए प्रोटॉन, एन अल्फा पार्टिकल और ए क्लस्टर ऑफ पार्टिकल इज इफेक्टेड। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ बेसिक इंट्रैक्शंस, कोहेरेंट स्कैटरिंग अबाउट 5%, माइनर रोल इन द डायग्नोस्टिक एनर्जी रेंज। कॉम्प्टन स्कैटरिंग, डोमिनेट इंट्रैक्शन इन वाटर, वाटर इज यूज टू रिप्रेजेंट द टिश्यू एंड द लो एटॉमिक नंबर सच एज एयर, फैट एंड मसल्स। फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शंस यूजली सीन इन द कंट्रास्ट एजेंट बिकॉज ऑफ हाई एटॉमिक नंबर्स एंड बोन इन इंटरमीडिएट बिटवीन वाटर एंड द कंट्रास्ट एजेंट। एट लो एनर्जीज फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शंस आर मोर कॉमन, वाइल एट हाई एनर्जी कॉम्प्टन स्कैटरिंग आर मोर डोमिनेट, इज मोर डोमिनेंट। सो कॉम्प्टन स्कैटरिंग इज मोर यूजफुल दैन द फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शंस। इज द समरी, ओनली टू इंट्रैक्शंस आर इंपॉर्टेंट इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्प्टन स्कैटरिंग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिकॉज ऑफ हाई एटॉमिक नंबर्स एब्जॉर्बर्स, इट जनरेट नो सिग्निफिकेंस स्कैटर रेडिएशन, प्रोड्यूस हाई कंट्रास्ट इन द एक्सरे इमेज, बट अनफॉर्चुनेटली इट एक्सपोजेज द पेशेंट टू अ ग्रेट डील ऑफ रेडिएशन, सो इट इज़ वेरी हार्मफुल। अदर इज कॉम्प्टन स्कैटरिंग इज द मोस्ट कॉमन इंट्रैक्शन एट हाई डायग्नोस्टिक एनर्जीज, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल स्कैटर रेडिएशन। रेडियोग्राफिक इमेज कंट्रास्ट इज लेस कंपेयर टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बट इट इज मोर यूजफुल। कोहेरेंट स्कैटरिंग इज न्यूमेरिकली अनइम्पॉर्टेंट। पेयर प्रोडक्शन एंड फोटो डिसइंटीग्रेशन अकर एट वेरी हाई एनर्जीज अबव द यूजफुल एनर्जी रेंज, सो आई थिंक दिस इज यूजफुल फॉर ऑल फिजिक्स लर्नर्स। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप कि समझ में आया होगा। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।